उसी का हिस्ट्री के पाठे का ही क्वेश्चन अगला एक नंबर या उसमें दागो ऑब्जेक्टिव है लिखो। किस के युद्ध में, के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन, एक महाशक्ति के पतन और दूसरी यूरोपीय महाशक्ति, और दूसरी यूरोपीय महाशक्ति दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ, जर्मनी का उदय हुआ। उत्तर होगा सेडान युद्ध, सेडान युद्ध। प्रश्न अगला है सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ, किनके किनके बीच हुआ, सेडोवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ। उत्तर लिखिए ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑस्ट्रिया और प्रसा। प्रश्न अगला 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, 1848 एक बार बोले तो सुन नहीं रही हो, सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, देख रही है का भी चल रहा है, मुंह कलम नीचे करके लिखो। एक बैल था जिसको मारने पर पीछे की तरफ देख रहा था, वही वाला हाल इन सबों का हुआ है। शब्द गिरा सरासर कलम खींचो, देखता रही है, दिन भर बैठ के घर में पढ़ो शब्द पटक देंगे मर जाएगी। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया, किस युग का अंत कर दिया, किस युग का अंत कर दिया, किस युग का अंत कर दिया। उत्तर लिखो पुरातन, पुरातन। प्रश्न अगला वेटिकन सिटी के राजमहल, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां, जहां पोप रहते थे, जहां पोप, पोप रहते थे, पोप रहते थे, बगल बगल मांगो, पोप रहते थे, पोप रहते थे इटली के, इटली के किससे बचा रहा, इससे बचा रहा। उत्तर होगा एकीकरण, एकीकरण। प्रश्न अगला यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक,
कौन था बबेरिया के शासक, कौन था जिसे राजा घोषित किया गया, जिसे राजा घोषित किया गया, राजा घोषित किया गया। उत्तर होगा आटा, उत्तर में लिखो आटा, आटा। और पे चंद्रबिंदु लगाना ऊपर, अ के ऊपर। प्रश्न अगला है, हंगरी की राजधानी कहां है? हंगरी की राजधानी कहां है? हंगरी की राजधानी कहां है? उत्तर लिखो बुडापेस्ट, 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 बुडापेस्ट नहीं कहना, बुडापेस्ट। प्रश्न अगला, अगला प्रश्न है, मेजनी था, मेजनी था, मेजनी था। उत्तर होगा इटली का, उत्तर में होगा इटली का। अगला हीगेल था, हीगेल था, हीगेल, हीगेल था। उत्तर लिखिए दार्शनिक, उत्तर में होगा दार्शनिक। प्रश्न अगला, बिस्मार्क था, बिस्मार्क था, बिस्मार्क था। तो उत्तर इसका लिखिएगा जर्मनी का चांसलर, जर्मनी का चांसलर। प्रश्न अगला लिखिए, वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? उत्तर होगा 1815। प्रश्न अगला, मेटर्निक का पतन कब हुआ? मेटर्निक का पतन कब हुआ? उत्तर 1848, 1848। प्रश्न अगला, इटली एकीकरण कब हुआ? इटली एकीकरण कब हुआ? इटली एकीकरण कब हुआ? उत्तर लिखिए 1870। प्रश्न अगला, सेडान युद्ध कब हुआ? सेडान युद्ध कब हुआ? उत्तर होगा 1871, 1871। प्रश्न अगला, कोसुथ, कोसुथ, कोसुथ था, कोसुथ था, कोसुथ था। उत्तर होगा हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। प्रश्न अगला, एंड्रियानोपोल, एंड्रियानोपोल, एंड्रियानोपोल की संधि कब हुई? एंड्रियानोपोल की संधि कब हुई? एंड्रियानोपोल की संधि कब हुई? उत्तर हो 1829, उत्तर में लिखो 1829। प्रश्न अगला, यूनान की स्वतंत्रता, यूनान की स्वतंत्रता
यूनान की स्वतंत्रता कब मिली? कब मिली? उत्तर होगा 1832। प्रश्न अगला, पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? उत्तर होगा 1863। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? उत्तर लिखिए 1863।